गाइज hey सो so, आज हम बात करेंगे स्पेंसर की स्पेंसर का एक सोनेट है सोनेट नंबर थर्टी फोर हम अपनी वीडियो में उसे कवर करेंगे तो पहले थोड़ा सा स्पेंसर के बारे में जानेंगे फिर इनका जो वर्क है एमोरोटी उसके बारे में कि वो क्या है और उसके बाद हम अपना सोनेट स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेंसर हैं ही वॉज़ बॉर्न इन फिफ्टीन फिफ्टी टू और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी फिफ्टीन नाइन में और उसके बाद इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने सोनेट्स के लिए उससे पहले पेट्राल जो थे जो टैलिन पोइट थे उनके जो सोनेट थे वो फेमस थे और उसके बाद फिर स्पेंसर के सोनेट जो थे वो फ़ेमस हो गए तो इनका एक वर्क है एमोरेटी जिसका मतलब होता है लिटिल लव मतलब कि थोड़ा सा प्यार तो जो एमोरेटी है वो एक सीक्वेंस है सोनेट्स का जिसमें एटी नाइन सोनेट्स हैं जो कि पब्लिश हुई थी 1595 में तो ये जो सीक्वेंस है सोनेट्स का ये सारे सोनेट जो स्पेंसर हैं जो पोइट है, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अपनी जो बिलविट उनके लिए लिखे गए थे ये सारे ही सोनेट्स तो उनका नाम था एलिजाबेथ बॉयल जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्पेंसर थे वो ऑलरेडी मैरिड थे उनकी ऑलरेडी एक वाइफ थी और उनके दो बच्चे थे और उसके बाद भी ये जो पूरी इनके सोनेट के सीक्वेंस है इसमें इन्होंने अपना लव दिखाया है एलिजाबेथ बॉयल के लिए कि ये उनसे बहुत ही छोटी थी एज में लेकिन फिर भी ये उनको पसंद करते थे तो स्टार्ट करते हैं तो अगर आप थर्टी फोर वाले सोनेट को पढ़ना चाहते हैं एज लाइक शिप तो उससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए थर्टी थ्री वाला सोनेट जो लिखा गया था उसके बारे में तभी ये जो स्टोरी है ये कंटिन्यू हो पाएगी तो जो थर्टी थ्री नंबर का जो सोनेट लिखा गया था उसमें इन्होंने अपने प्यार को बताया है अपने प्यार का इजहार किया है कि जो एलिजाबेथ बॉयल है वो ये उन्हें पसंद करते हैं लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करती हैं और जो ये फीलिंग है इनकी ये इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है किसी भी काम को लिखने के लिए पोइट्री एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपका पूरा पैशन होना चाहिए लेकिन जो इनका लव है अलिजाब के लिए वो एज अ डिस्ट्रैक्शन हो गया है इनके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है और वो अपना वर्क नहीं लिख पा रहे हैं और इस टाइम पर जब ये बात कर रहे हैं इस टाइम पर ये एक बहुत ही फेमस वर्क लिख रहे थे बहुत ही फेमस पोइट्री लिख रहे थे जो है फेरी क्वीन फेरी क्वीन क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखी गई है उन उन्हीं के ऊपर करके लिखा गया है तो थर्टी थ्री में वो बताते हैं कि वो डिजेक्टेड लवर हैं और उनका जो प्यार है एलिजाबेथ के लिए वो कैसे उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अब बात आती है सोनेट नंबर थर्टी फोर की तो इसे स्टार्ट करते हैं जो सोनेट ये लिखा गया है जैसे कि आपको पता होगा कि सोनेट जो है फोर्टीन लाइन्स का सोनेट होता है तो इसमें इन्होंने तीन क्वाड्रिलेटरल यूज कर रखे हैं जहाँ पर चार चार लाइंस का एक स्टैंडर्ड टाइप में है और लास्ट में एक कपलेट यूज कर रखा है तो स्टार्ट करते हैं इसमें स्टार्टिंग है स्टार्टिंग का जो कपलेट है एज लाइक अ शिप दैट थ्रू द ओशियन वाइड by कंडक्ट ऑफ some डॉट मेक make वे way एज अ स्टॉम हार्ट डिम her truly गाइड आउट ऑफ अ कोर्स डॉट वांडर फार स्ट्रे लाइक एज अ शिप मतलब कि एक शिप की तरीके से जैसे एक शिप डैट थ्रू द ओशन वाइड जब एक शिप किसी ओशन में जाता है कोई बहुत ही बड़े विशाल समुद्र में जाता है सी में जाता है वो जब उसमें चलता है वो कैसे चलता है उसे अपना रास्ता कैसे पता चलता है बाई कंडक्ट ऑफ समस्टार्स उस टाइम पे कोई ऐसा तो था नहीं नेविगेशन के इक्विपमेंट्स नहीं थे कि आपको पता चल जाएगा ईस्ट क्या है वेस्ट क्या है तो उस टाइम पे जो ये सेलर्स थे ये स्टार्स का यूज करते थे पोल स्टार का इन सब स्टारों का यूज करके ये अपनी दिशा का पता लगाते थे तो इसने कहा है कि लाइक एज अ शिप एक शिप की तरह जो कि एक बहुत ही बड़े ओशियन में है और जो स्टार्स से अपना रास्ता बना रही है मेक हर वे अपना रास्ता अपनी डायरेक्शन स्टार्स से पता करती है वेन एज अ स्ट्रॉ हार्ट कि तभी एक स्ट्रॉम और वो क्या करता है? मतलब कवर कर लेता है वो जो अपना रास्ता देखते थे उस रास्ते को वो ढक देता है एक स्ट्रॉम आ जाता है जो कि तारों को ढक लेता है और इससे क्या होता है आउट ऑफ अ कोर्स डॉट वंडर एज अ स्ट्रे जो शिप है वो अपना रास्ता भटक जाती है क्योंकि जो स्टार्स उन्हें रास्ता बता रहे थे अब स्ट्रॉम ने आके क्राउड ने आके उस सितारों को ढक लिया है और जो शिप है वो अपना रास्ता भूल गई है वांडर मतलब कि यहां वहां भटक रही है फार एस्ट्री मतलब कि अपना रास्ता भूल गई है गुमराह हो गई है वो अपने डायरेक्शन लूज हो गया है उसका यहाँ पे इन्होंने बताया शिप के बारे में कि कोई शिप है वो कैसे अपने एक बहुत ही बड़े समुद्र में रास्ता खो गया है उसका भटक गया है क्योंकि जो स्ट्रॉग है वो आ गया है उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और वो बस यहाँ वहाँ घूमे जा रही है वो शिप ये था फर्स्ट फर्स्ट फोर लाइंस का मतलब आगे इन्होंने बताया सो आई मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वार में जो इन्होंने कहा था लाइक का शिप यहां पर आके वो बताते हैं कि जो इन्होंने सिमली यूज करी थी लाइक का शिप मतलब एक शिप के तरीके से तो सेकंड क्वार में आके वो बताते हैं कि वो शिप कौन है वो शिप वो खुद है सो so आई मतलब कि आई वो अपनी बात कर रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है वो और वो जो शिप है वो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है वो बोलते हैं सो आई हु जिसका स्टार मतलब कि इन्होंने यहाँ पर अपने बिलविट की बात करी है कि मैं जिसका स्टार दैट ब्राइट रेज जो उनकी बिलावट है जिस तरीके से जो सितारे हैं वो अब छुप गए हैं स्ट्राम्स के पीछे एक तूफान आ गया है जिससे सितारे नहीं दिख रहे हैं उसी तरीके से जो है ये पॉइंट है कहता है कि मेरी लाइफ हो गई है और इसमें जो मेरी बिलावट है जो मुझे रास्ता दिखाती है वो नहीं दिख रही है क्यों क्योंकि ये क्लाउड्स आ गए है। हैं किस चीज़ के क्लाउड्स हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ डाउट्स हैं उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो और उनके जो बिलविड हैं वो अब अलग अलग हैं और उनकी जो बिलविड है उन्हें रास्ता नहीं दिखा रही हैं नेक्स्ट लाइन वो बोलते हैं कि हर ब्राइट रे मी टू डायरेक्ट विद क्लाउड्स इज ओवरकास्ट मतलब कि अब जो उनके ऊपर इतने सारे क्लाउड्स आ गए हैं इनके ऊपर जितनी भी लाइट थी उनकी बिलविट की जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी वो सब हट गई हैं और अब इनके ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो सब आ गए हैं और ये अपना रास्ता भटक गए हैं यहाँ पर बात हो रही थी कि जो शिप है वो एक लैंड पर जाना चाहती है एक प्लेस पर जाना चाहती है लेकिन तूफान आने से वो अपना रास्ता भटक गई और लैंड पर नहीं जा पाई और यहाँ पर जो पोइट है वो एज अ लवर वो एज अ लवर बोल रहा है कि उसे भी उस लैंड के तरीके से ही उस लैंड के जैसे ही अपने बिलावट के पास पहुँचना है जिससे वो प्यार करता है मतलब कि एलिजाबेथ बॉयल लेकिन बीच में जो स्ट्रॉम आ गया है जिससे कि शिप यहाँ वहाँ हो गई है अपने रास्ते से भटक गई है उसी तरीके से इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं कुछ डाउट्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये अपनी बिलावट से दूर हो रहे हैं आगे वो बोलते हैं जो Do wander now in darkness and dismay. Wander मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना आवारों की तरह तो कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं अब वो भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनका जो पाथ है वो खो गया है और अब जो उनके चारों तरफ डार्कनेस है डिस में, डिस में मतलब होता है फियर एंगजाइटी तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए हैं कि वो खो गए हैं उनकी बिलविड उन... को रास्ता नहीं दिखा रही है उनका जो स्टार था बिलावर जो उनका स्टार है वो कहीं प्रॉब्लम्स के पीछे छुप गया है वो बोलते हैं थ्रू हिडन पैरल्स अराउंड राउंड अबाउट मी प्लास्ट यहाँ पर ये यह बात कर रहे हैं हिडन पैरल्स पैरल्स मतलब डेंजर्स कुछ ट्रबल कि जब उनके बिलवड उनके साथ नहीं हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखा रही हैं तब उनके चारों तरफ जैसे कि जो शिप थी उसके चारों तरफ अंधेरा होते ही बहुत सारे डेंजर होने लग गए ट्रबल होने लग गया उसे परेशानियां होने लग गई उसी तरीके से जो पॉइट है जब उसकी बिलविड उसके साथ नहीं है उससे गई है तो उसकी जिंदगी उसकी जो लाइफ है वो भी ऐसी हो गई है वो चारों तरफ से डार्कनेस से घिर गया है और चारों तरफ उसके डेंजर है ट्रबल है यहाँ पे जो पैरल है पैरल्स का एक और मीनिंग है क्योंकि जो हॉमर की ऑडिसे है उसमें जो शिला और कैबिडियम दो मॉन्स्टर्स के बारे में बताया गया है जो ऑडिसिस का रास्ता रोकती हैं उसके शिप का रास्ता रोकती हैं वो दोनों मॉन्स्टर हैं तो यहाँ पर इन्होंने कंपेयर किया है अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ कि कैसे जैसे ऑडिसी का रास्ता रोका गया था ट्रबल किया गया था उनकी लाइफ को उनके शिप को वैसे ही ये डार्कनेस है जो निराशा है उनकी लाइफ में वो उनको ट्रबल दे रही है नेक्स्ट में बोलते हैं येट मतलब कि इतना सब कुछ उनके साथ हो गया है उनकी जो है लाइफ की जो शेप है वो यहाँ वहाँ भटक गई है अंधेरा हो गया है उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद भी येट होप आई विल मतलब यहाँ पर फिर भी उन्हें कुछ उम्मीद है कुछ आशा है दैट वेन दिस स्ट्रॉन्ग इज पास्ट कि जब ये स्ट्रांग जब ये तूफान हटेगा जब ये तूफान बीत जाएगा और अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो जो इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी माय हेल इज द लॉर्ड स्टार ऑफ माय लाइफ माई हैलिस यहाँ पर इन्होंने हेलिस अपने बिलविड के लिए यूज़ किया है जो कि एलिजाबेथ बॉयल हैं कि जो इनके बिलविड हैं इनकी लॉर्ड है, स्टार है इनकी लाइफ की लॉर्ड स्टार यहाँ पर जैसे कि पोल स्टार होता है वैसे ही इन्होंने अपने लवर को अपने बिलविड को एक पोल स्टार से कंपेयर किया है कि जो इनकी लाइफ का लॉर्ड स्टार है जब ये सारा स्ट्रॉन्ग बीत जाएगा तो जो इनका स्टार है इनकी जो बिलविड है विल शाइन अगेन एक बार फिर से शाइन करेंगी इन्हें फिर से एक बार रास्ता दिखाएंगी। एंड लुक ऑन मी एट लास्ट कि वो जब सब कुछ बीत जाएगा वो दोबारा से उसकी जो बिलविड है वो दोबारा से उसे डायरेक्ट करेगी उसे उसका रास्ता दिखाएगी और वो फिर से सही पाथ पर आ जाएगा विद लवली लाइट टू क्लियर माई क्लाउडी ग्रीफ जो उसकी ब्लवेड है वो इतनी ज्यादा शाइनिंग है इतनी ज्यादा पावरफुल है इनके लिए क्योंकि वो उनके उनके जो लाइफ की जो ग्रीफ है जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे इन्होंने क्लाउड्स को और प्रॉब्लम्स को कंपेयर किया है कि जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स का जो एक क्लाउड बना हुआ है कि बादल से छा गए हैं प्रॉब्लम्स के जब उनकी बिलावेड शाइन करेगी तो वो सारे ही सारे जो क्लाउड्स हैं वो साफ हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर ये थर्ड क्वार्टन खत्म हो जाता है नेक्स्ट जो है ये कपलेट है तिल देन मतलब कि ये सब होगा कि इनका जो डिजेक्शन है इनकी जो लाइफ में डार्कनेस चल रही है इन्हें होप है कि उनके जो बिलवेड है वो एक बार फिर से शाइन करेगी एक बार फिर से इनके पास आएगी लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो इस कपलेट में बोलते हैं टिल देन जब तक ये नहीं होता है आई वॉन्ट अयरफुल कंफर्टलेस मुझे ऐसे ही भटकना है आई हैव टू वॉन्डर सफर कम्फर्टलेस कि इनकी लाइफ में तब तक कोई कंफर्ट नहीं होगा सौरों होगा बहुत ही ग्रीफ होगा इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सैड ही रहेगा लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि इनकी बिलविड शाइन नहीं करती है जो इनका स्टार है इनकी लाइफ का वो शाइन नहीं करता है और जब तक नहीं करेगा तब तक इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा डिजेक्टेड एंड सौरों में साइड में ये तो थे सोनेट थर्टी फोर के बारे में इनका एनालाइज इन्होंने क्या क्या बोला है अब आगे हम देखते हैं कि इसमें टेक्निक क्या क्या यूज हुई है तो मेनली जो उस टाइम पे सोनेट लिखे जाते थे वो पेट्राचन स्टाइल में लिखे जाते थे लेकिन ये सोनेट पेट्राचन से डिफरेंट है इस तरीके से क्योंकि जो पेट्राचन सोनेट होते थे वो इस तरीके से लिखे जाते थे कि जो लवर है वो अपने बिलावेट के लिए लिख रहा है और लास्ट में जो उनका रिलेशन है वो ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो मिल नहीं पाते हैं तो पेट्राचन में यही चीज़ फॉलो होती थी हर एक सोनेट में लेकिन स्पेंसर का जो ये सोनेट है इसमें आगे पता चलेगा हमें कि ऐसा नहीं है लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं तो ये पेट्राचन सोनेट से इस तरीके से अलग हो जाता है उसके बाद आती है इसका स्टाइल क्या है तो जैसे कि पेट्राचन में होता था कि ऑक्टेव और सेस्टेव के हिसाब से चलता था कि ऑक्टेव में आठ लाइनों का एक स्टेंजर होता था जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी और जो सेस्टिक होता था छः लाइनों का स्टेंजर उसमें उसका कहीं ना कहीं मीनिंग दिया गया था कंक्लूजन होता था लेकिन जो स्पेंसर का ये सोनेट है थर्टी फोर एज लाइक अशिप इसमें क्या यूज हो रखा है इसमें थ्री क्वार्टरेंट यूज हो रखे हैं क्वाड्रेंट मतलब कि चार चार लाइनों के तीन सेट हैं और एक लास्ट में कपलेट है जिससे मिलाकर ये फोर्टीन लाइंस का बन गया और इसमें राइम क्या है ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई मतलब कि जो फोर्थ लाइन है वो फिफ्थ लाइन को के साथ राइम करेगी हमारी जो फोर्थ लाइन है एस एसट्रे और जो हमारी फिफ्थ लाइन है रे इन दोनों की रामम एक साथ होगी ऐसे ही नेक्स्ट पैरे में अगर हम देखेंगे तो लास्ट की और नेक्स्ट पैर नेक्स्ट क्वार्ट्रेंड का फर्स्ट लाइन हमारा साथ में राइम करेगा तो ये एक ऐसा एक ऐसी स्कीम होती है जिसे कॉन्टेशन कहते हैं जहाँ पर ये आपस में कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं कि आपस में बिल्डअप होकर चल रहे हैं और लास्ट का जो कपलेट होता है वो ब्रेकडाउन होता है एक साथ कॉन्टीन्यूटी नहीं दिखाता है डिसकन्टिन्यू हो जाता है आगे इसमें सिमली यूज हुई है जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही लाइक एज अ शिप लाइक और एज दोनों ही सिमली में यूज किए जाते हैं मेटाफर मेटाफर मतलब कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कंपेयर किया है स्टार को बिलोविट से ओशियन को लाइफ से क्लाउड स्ट्रॉम को इन्होंने लाइफ और प्रॉब्लम से किया है और पर्सोनिफिकेशन में है इन्होंने लैंड का जो पर्सोनिफिकेशन दिया है कि उन्हें लैंड पे पहुंचना है वैसे ही जैसे कि इन, इन्हें अपने बिलोविड के पास पहुंचना है तो ये था इसका कंप्लीट समरी एंड एनालाइज आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक वीडियो